नमस्कार दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध हस्तिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वी शांताराम जी के बारे में। भारतीय फिल्में विश्व में सर्वाधिक बनने वाली फिल्में हैं। ये फिल्में भारत की अनेक भाषा और बोलियों में बनती रही है, किंतु हिंदी तथा मराठी भाषा में फिल्म निर्माण के अद्वितीय कला में महारत रखने वाले वी शांताराम एकमात्र फिल्मकार है। भारतीय फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को हमेशा से प्रभावित किया है। मुख्य फिल्मों से लेकर वर्तमान फिल्म निर्माण की आधुनिक तकनीक तक पहुंचने वाली हमारी भारतीय फिल्मों ने स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय जागृति का मंत्र फूका, तो दूसरी तरफ सामाजिक पुनर्जागरण, शिक्षा के प्रचार, समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वी शांताराम की फिल्में इसी का सशक्त उदाहरण है। वी शांताराम का पूरा नाम वानकंदरे शांताराम था। उनका जन्म 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। बाल्यावस्था से उनका रुझान अध्ययन की ओर न होकर अभिनय की ओर अधिक रहा था। घर से भागकर वे सुप्रसिद्ध एवं अभिनेता बाल गंधर्व की नाटक मंडली में सम्मिलित हो गए। 13 वर्ष की अवस्था में उन्हें रंगमंच का पर्दा गिराने और उठाने का काम सौंपा गया। साथ ही कभी कभार लड़की की वेशभूषा में सेविका की भूमिका निभाने का अवसर भी उन्हें मिल जाया करता था। लगभग 6 वर्षों तक इस प्रकार नाटक मंडली में कार्य करते हुए वे उबकर वहां से भाग निकले। उस समय बाबूराव पेंढारकर भालजी पेंडर फिल्म कंपनी में मैनेजर और अभिनेता का कार्य करते थे। 1920 में शांताराम ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वहां उन्हें स्टूडियो का सामान इधर उधर रखने, कारपेंटर, एडिटर, एक्टर, कूली सभी की भूमिका अदा करनी पड़ी। जब 1923 में उन्हें माया बाजार और सिंहगढ़ जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी तो उनका मनोबल बढ़ा। 1925 में उन्हें साहूकार पाश में नायक की भूमिका मिली। इसका निर्देशन बाबूराव पेंढारकर ने किया था। इस तरह अनुभव प्राप्त करते हुए उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी प्रभात फिल्म स्थापित की, जिसके साथी कलाकार सीताराम कुलकर्णी, वी दामले, शेख फतेहलाल, केशवराव ढेवर थे। इस कंपनी ने कुछ मुख्य फिल्मों के साथ बोलती फिल्में भी बनाई, जिसमें उनकी प्रथम फिल्म गोपाल कृष्ण थी, दूसरी रानी साहिबा, तीसरी खूनी खंजर मुख्य फिल्में थी। इस कंपनी द्वारा बनाई गई पहली बोलती फिल्म थी अयोध्या का राजा, जो 1932 में बनी थी। इसके पूर्व भारत की बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। अयोध्या का राजा हिंदी और मराठी दोनों ही भाषा में बनी थी, जिसकी नायिका दुर्गा खोटे तथा निर्देशक वी शांताराम थे। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने आदमी, पड़ोसी, दुनिया ना माने, संत ज्ञानेश्वर, अमृत मंथन, स्वराज तोरण भी बनाई। इन तीन फिल्मों में जहां राष्ट्रीय एकता का भाव था, वहीं सामाजिक जागृति का भी पुट था। पड़ोसी फिल्म को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने का अवसर मिला। स्वतंत्र और मौलिक सोच रखने वाले वी शांताराम ने 1943 में प्रभात कंपनी से अलग होकर बंबई में वाडिया स्टूडियो खरीदा और अपने माता पिता के पुण्य स्मृति में राजकमल फिल्म मंदिर की स्थापना की। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म शकुंतला थी। बाद में दादा कोटनीस की अमर कहानी, मतवाला शायर, 3 बत्ती 4 शायर, दहेज, परछाई, सुबह का तारा आदि फिल्में बनाई। उन्होंने हिंदी, मराठी तथा बंगला में भी कई फिल्में बनाई, जिनकी विषय वस्तु दहेज प्रथा, अनमेल बेमेल विवाह थी। शास्त्रीय रागों पर आधारित जनक जनक पायल बाजे, नवरंग, सहरा, पिंजरा, गीत गाया पत्थरों ने, जल बिन मछली नृत्य बिन मछली, बुंद जो बन गई मोती आदि फिल्में बनाई। लेकिन सर्वाधिक ख्याति उन्हें मिली 2 आंखें 12 हाथ से। यह फिल्म कैदियों के खुले वातावरण में रखकर उन पर भरोसा और प्रेम जताकर भावनात्मक सुधार लाने वाली एक अद्वितीय बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने स्वयं नायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के दौरान उनकी आंखें घायल हो गई थी, लेकिन उन्होंने देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इस फिल्म को जिस विषय वस्तु को लेकर बनाया था उसे पूरा किया। उन्हें इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्ड बेयर पुरस्कार तथा राष्ट्रपति पदक मिला। जनक जनक पायल बाजे को उन्होंने 70mm स्टीरियोफोनिक साउंड में तैयार किया। अपने सिनेमाई जीवन में उन्होंने कुल 82 फिल्मों का निर्माण तथा 55 फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने 3 विवाह किए थे। उनकी 2 पत्नियां जयश्री और संध्या कुशल अभिनेत्रियां थी। उनसे 2 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनका पुत्र किरण शांताराम भी निर्माता और निर्देशक है। वी शांताराम ने भारतीय फिल्मों को निसंदेह
एक नई दिशा और दशा दी, विशेषतः नृत्य और संगीत को लेकर अनेक नवीन प्रयोग किए। नवीन विषय और नई प्रस्तुति के साथ उन्होंने गोपी कृष्ण जैसे नर्तक को केंद्रीय भूमिका में रखा। सामाजिक विषयों पर बनी उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक है। नई पीढ़ी के फिल्मकारों को उन्होंने नई सोच दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें 1986 में सर्वोत्तम सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अक्टूबर 1990 को उनकी मृत्यु पर फिल्म जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उनकी मृत्यु पर एक युग समाप्त हो गया। उनके सम्मान तथा स्मृति में वी शांताराम पुरस्कार की योजना भी की गई है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध हस्तियां में आज आपने सुना वी शांताराम जी के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और दूसरी वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं वो कमेंट में अवश्य बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये लिखा है डॉक्टर भारती खोबालकर ने और आवाज है प्रेम राणा की। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।